एमएस धोनी चाहिए थे चार, इस बार गेंद सीधे बाहर। और दोस्तों छक्के के साथ वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है, पूरे देश ने इस खिलाड़ी को सलाम किया है। मैंने कहा था ना खिलाड़ी खास है, रच दिया इतिहास है। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु कुंवर, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड की आवाज अपने पसंदीदा चैनल News 31 उत्तराखंड में। उत्तराखंड की आवाज, जहां हम आपको मिलाते हैं कलाकारों से, साहित्यकारों से और अन्य विधाओं पर काम कर रहे व्यक्तित्वों से। लेकिन आज का व्यक्तित्व सबसे विशिष्ट है, क्योंकि ये एक कमेंटेटर हैं जो क्रिकेट में कमेंट्री करते हैं। आपने क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखा होगा, क्रिकेट पसंद भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, और क्रिकेट की कमेंट्री अगर आपको लाइव सुनाई दे और आपके सामने वो व्यक्तित्व हो जो इस गुण का धनी है, तो वो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो पे राहुल जगोठा। स्वागत है राहुल आपका News 31 उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे News 31 की टीम को। जी जी, आज कुछ अलग अनुभव है। रोजाना हमसे उत्तराखंड की आवाज़ में कभी गायक मिलते हैं, तो कभी डांसर्स मिलते हैं, कभी चित्रकार मिलते हैं, या कभी एपन आर्टिस्ट मिलते हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। आज क्रिकेट कॉमेंट्रेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः स्वागत है। तो राहुल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दीपांशु जी, बेसिकली मैं रुद्रप्रयाग से बिलोंग करता हूँ, और रुद्रप्रयाग मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है जी, और यहीं से सारी शुरुआतें हुई जी। तो शुरुआत कैसे हुई, क्रिकेट कमेंट्री में जाना कैसे हुआ? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे वहाँ उत्तराखंड में बहुत कम होता है कि आप कमेंट्री करें या क्रिकेट कमेंट्री करें या इस फील्ड पे जाएं, तो आपने एक अलग फील्ड चूज किया, तो ये कैसे? दीपांशु जी, एक बहुत ही एक्सीडेंटल कहानी है। मैं एज ए क्रिकेटर ही शुरू किया था करियर, एंड क्रिकेट से मैंने अपना करियर शुरू किया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, देहरादून में हमारा मैच था और मैं एज एन ओपनर बैट्समैन खेलता था। 40 ओवर का मैच था। अच्छा, आप क्रिकेटर हैं? 2017 की बात है जी। तो 40 ओवर का मैच था, तो मैं जल्दी आउट हो गया जी। और ऐसा था कि अब बैठ के क्या करूं पूरे टाइम पे, खाली मतलब टाइम कैसे स्पेंड करूं जी। माइक पे वहां कोई नहीं था उस दिन, कमेंटेटर कोई आया नहीं था, तो मैंने कहा थोड़ा यहां पे देख लेते हैं। तो एक्सीडेंटली माइक पकड़ा और लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया कि यार आप अच्छा बोल रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मुझे भी इस बात का, मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं कमेंट्री भी करूंगा जी। तो वहां से लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू करा और पता ही नहीं चला कि कब इंटरनेशनल लेवल पे भी मतलब करने का मौका मिलेगा, तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन बाय गॉड ग्रेस, घर वालों का आशीर्वाद है, तो सब हो गया, पता ही नहीं चला जी। तो कहां कहां अभी तक आप कमेंट्री कर चुके हैं? जब आपने अभी बोला कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तो कितने बड़े टूर्नामेंट्स में और कहां कहां अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं? दीपांशु जी, ये कहानी उत्तराखंड में यूथ कप होता था देहरादून में, उससे शुरू हुई जी। एंड उसके बाद हमारे गढ़वाल का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, हमारे पूरे उत्तराखंड का, गढ़वाल प्रीमियर लीग, आपने भी उसका नाम सुना होगा जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कुलवीर भैया का, अभिषेक भैया का। और उसके बाद वहां से कारवां शुरू हुआ, फिर देहरादून के बहुत सारे टूर्नामेंट, फिर आउट ऑफ स्टेट जाना बहुत बार हुआ, फिर सेट स्पोर्ट्स एक चैनल है यूट्यूब का, स्पोर्ट्स का चैनल है, तो वहां हमारे एक भैया सचिन भैया, तो उनकी वजह से मुझे इंटरनेशनल मैचेस में कमेंट्री करने का मौका मिला और लोगों ने प्यार दिया। तो मतलब अब तो कहीं भी मतलब नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, मौके मिलते रहते जी। तो अगर मैं आपको कहूं राहुल कि एक मैच चल रहा है अभी, आप एक इमेजिनेशन कीजिए कि अभी एक मैच चल रहा है और मैच की आखिरी बॉल है और मैदान पे आपके फेवरेट खिलाड़ी कोई खेल रहे हैं, कोई भी एक खिलाड़ी ले लीजिए, तो उसको आपको प्रदर्शित करना है, एक बॉल में 6 रन की जरूरत है, तो अगर ये प्रेजेंटेशन देनी होगी तो आप किस तरह से देंगे? राहुल, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु जी। देखिए, बहुत कम होता है कि आप न्यूज चैनल पे कमेंट्री करें, तो देखिए ऐसी सिचुएशन में तो मोस्टली एमएस धोनी को ही मैं टारगेट करता हूँ कि एक बॉल पे अगर 6 चाहिए तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे कुमाऊं से बिलोंग करते हैं जी। तो एमएस धोनी अगर खेल रहे हो और मान लो कि गेंदबाज कोई मलिंगा जैसे हो, मतलब जो महारत है जिसको अपने उसमें जी, तो कुछ इस प्रकार का प्रदर्शन होगा कि सपोज दैट आईपीएल चल रहा है, मुंबई चेन्नई का मुकाबला और चेन्नई के धोनी खेल रहे हैं, तो लास्ट बॉल पे 6 रन और वानखेड़े में मुकाबला है जी, तो कुछ इस तरीके से कि मलिंगा भैया लास्ट गेंद पे चाहिए 6 रन, और अब देखते हैं दर्शकों के बीच एक बहुत रोमांच है कि कौन ये मुकाबला जीतने वाला है, और मलिंगा बार बार सोच रहे हैं, फील्ड सेट कर रहे हैं कि क्योंकि धोनी जैसा बल्लेबाज जब आपके सामने हो तो इतना आसान नहीं होता है कभी भी कि आपको उम्मीद रहती है कि अंतिम गेंद पे छक्का पड़ सकता है। तो धीरे धीरे मलिंगा चले, ये गेंद पैर पे गेंद था और हेलीकॉप्टर शॉट गया है, ओहो, बिल्कुल 6 रन के लिए। दोस्तों धोनी भैया अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, और लास्ट गेंद पे छक्का चाहिए था, मार दिया भैया धोनी को, बहुत गजब की बैटिंग है धोनी द्वारा। क्या बात है, कमाल है, कमाल है सर, कमाल है।
कमाल है राहुल, आपकी आवाज वाकई बहुत दमदार है और बिल्कुल आपने एक माहौल बना दिया कि जैसे ओवर का आखिरी गेंद है और इस तरह का कुछ। और ऐसा ही कुछ उल्टी कंडीशन अगर हो, मैं कहूं कि अगर आप बात करें कि बॉलिंग फैक्टर की, कि अभी इंडिया बॉलिंग कर रहा है और कोई अगेंस्ट कोई टीम खेल रहा है, तो इंडिया का कोई अच्छा बॉलर बॉलिंग कर रहा है और आपके सामने उसको प्रेजेंट करना है। बिल्कुल, तो मैं इंडिया के बॉलर बुमराह को लूंगा इसके लिए। और सामने मान लो कि जो बैट्समैन छह मार सकता है, मान लीजिए कि क्रिस गेल है, वो हर बॉल पे छह रन मारने की भी कुवत रखते हैं, तो बुमराह सपोज दैट बॉल कर रहे हैं, और ये भी सपोज दैट इंडिया के किसी अच्छे से ईडन गार्डन में मैच हो रहा है और मान लो कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, तो भैया बुमराह के हाथ में गेंद है, अंतिम गेंद पे चाहिए छह, और सामने है ऐसा बल्लेबाज जिसको यूनिवर्स बॉस कहा जाता है, क्रिस गेल। तो दोस्तों क्या ये छह लगेगा, क्या इंडिया आगे जाएगा या यहाँ से मुकाबला इंडिया हार जाएगा? दोस्तों बुमराह कप्तान कोहली के साथ अपना फील्ड सेट करते हुए देख जानते हैं कि यहाँ से अगर अब हारे तो सब हारे और अब जीते तो सब जीते। तो बुमराह हल्के हल्के कदमों से क्रिस गेल के लिए पैर पे गेंद था, पल्ला चलाया जरूर लेकिन नहीं दोस्तों, एलिवेशन चाहिए था मिला नहीं, जड़ में गेंद था उठा नहीं, और दोस्तों गेंद अलोंग द ग्राउंड खेल पाए, छक्का जा नहीं पाया, इंडिया ये मैच यहाँ पे जीत चुका है। क्या बात है, कमाल है राहुल, बिल्कुल आज इंटरनेशनल मैच वाली फीलिंग आपके साथ बात करके आई। और बहुत अच्छी बात भी है कि उत्तराखंड का एक उभरता हुआ नाम जो क्रिकेट पे कमेंट्री करता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे काम करता है, ये हमारे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। और कई चेहरे होते हैं जो सामने होते हैं, जो दिखाई देते हैं, और कई चेहरे ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड पे होते हैं लेकिन अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं, तो आप उनमें से एक हैं। तो राहुल, कैसा घर का प्रेशर था जिस वक्त आप क्रिकेट छोड़कर या क्रिकेट को ही के साथ चलकर कमेंट्री पे आए, तो घर वालों का क्या कहना था कि कमेंट्री करके क्या होगा, या अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस था या नेगेटिव रिस्पांस था? मैं अपनी बात करूं दीपांशु जी, माय फादर इज एवरीथिंग फॉर मी, मेरे पापा मेरे सबसे बड़े हीरो हैं, उनके मतलब मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा प्यार मुझे कोई कर सकता है जी। तो उनका ऐसा था कि देखिए हम आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, ये नहीं है कि मतलब आपको पता है पहाड़ी टिपिकल पहाड़ी फैमिली कैसी होती है कि पढ़ लिख ले आगे कुछ कर, पढ़ने में डिसेंट था तो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा था जी। तो पापा ने कहा कि पढ़ाई भी कर ले, क्रिकेट भी साथ में अगर कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन पढ़ाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कुछ पढ़ेगा देन यू विल गेट द नॉलेज। तो पापा का रिस्पांस पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था, मिला जुला था। और मम्मी तो हाउस वाइफ है, तो आप जानते हैं गढ़वाली मतलब जो पहाड़ी मम्मियां होती है वो कैसी होती है, कि बेटा उनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक ही है मतलब जो भी कर रहा है। तो पापा का रिस्पॉन्स एक तरफ से ये था, लेकिन जब उनको लगा कि हाँ इसमें अच्छा कर रहा है, तो अभी वो बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब ही इज लाइक एवरीथिंग फॉर मी पापा, मतलब है कि उनको देख के मुझे पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऐसा लगता है कि हाँ अभी बहुत कुछ करना है, इनको एक अच्छी लाइफ देनी है, बहुत कुछ करना है जी। इंटरनेशनल लेवल और नेशनल तो चलो अच्छी बात है, कभी गांव में क्रिकेट खेला या गांव में क्रिकेट कमेंट्री किया, गाढ़ गधेरों में या खेतों में जो क्रिकेट होता है हमारे वहाँ सीजनल क्रिकेट होता है जाड़ों की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में जी? जी बिल्कुल दीपांशु जी, शुरुआत ही वहीं से हुई थी, मैं 11 12th में था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि मैं कभी कमेंट्री करूंगा गांव में जी। तो जैसे मैचेस होते थे तो करते थे कमेंट्री मतलब, लेकिन वो उत्साह अलग था, पता नहीं था कि कभी मतलब आगे जाने का मौका मिलेगा। गांव से ही सारा मतलब जो शुरू होता है आदमी का माहौल, जो सब चीजें करियर जो शुरू होता है वो आपके अपने गांव से ही शुरू होता है, और गांव ने इस मामले में बड़ा सपोर्ट करा है मुझे, जब भी होता था तो हमेशा बोलता जरूर था मैं पहले जी। तो आपने जैसा बताया कि आप रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं और रीजनल लैंग्वेज है आपकी वहाँ की गढ़वाली, जो आपकी बोली है गढ़वाली है, तो हिंदी अंग्रेजी तो सही है, क्या गढ़वाली में भी कमेंट्री करते हैं आप? सॉरी दीपांशु जी, कभी करा नहीं है गढ़वाली में, गढ़वाली में एक बार गौचर में ट्राई किया था, गढ़वाल प्रीमियर लीग हो रहा था, लेकिन दो ओवर के बाद मुझे लग गया था कि क्योंकि अपनी भाषा है बहुत प्यार हम अपनी भाषा से करते हैं, लेकिन वो फ्लो नहीं आ पा रहा था क्योंकि कभी करा नहीं है, तो गढ़वाली में कभी कमेंट्री नहीं। तो वैसे गढ़वाली बोलते तो आप होंगे घर में और घर वालों के साथ गांव में? 80-90% तो यहाँ गढ़वाली ही बोलते हैं अपने, क्योंकि वो माहौल, हाँ जब बाहर जाते हैं जैसे देहरादून में रहता हूँ या बाहर जाता हूँ तो वहाँ तो फिर वो जी गांव में लोग बोली का ही यूज करते हैं। और क्रिकेट में कोशिश की थी गढ़वाली को लाने की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया कहीं तो। बिल्कुल जी, तो आगे का क्या प्लान है इन फ्यूचर, जो देख रहे हैं अपना क्रिकेट कमेंट्री पे, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए दीपांशु जी, आपको बता दूं कि आपने आकाश चोपड़ा का नाम सुना होगा, भारत के सबसे अच्छे कमेंटेटर हैं अभी, स्टार स्पोर्ट्स पे कमेंट्री करते हैं जी। तो उनसे मेरी बात होती है और वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अपना छोटा भाई समझते हैं, हमेशा कहते हैं कि तू ट्राई कर, तेरे में वो चीज है, मेहनत कर, वो एक दिन जरूर स्टार स्पोर्ट्स पे आएगा, मेहनत करेगा। एंड उनसे काफी सपोर्ट मिलता है, साथ ही चेतन शर्मा सर हैं हमारे इंडिया के लिए जिन्होंने हैट्रिक ली थी, उनसे बड़ा सपोर्ट मिलता है, वो कहते हैं कि हाँ अभी आप ट्राई कीजिए छोटे हो,
आगे यही है कि अगर लोगों ने अप्रिशिएट करते रहे, प्यार मिलता रहा, तो एक दिन जरूर आप भी मतलब इस स्पोर्ट्स पे, अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, घर वालों का आशीर्वाद रहा, तो जरूर आप लोगों का प्यार रहा, तो बिल्कुल जी बिल्कुल आपकी मेहनत जो है जरूर काम आएगी और आप जरूर जो आपका सपना है पूरा होगा। लेकिन आप आदर्श किसको मानते हैं, आप क्रिकेट कम्युनिटी में बात करो तो आप किसको आदर्श मानते हैं अपना? जैसे मैंने आपसे कहा कि जिंदगी के लिए मेरे आदर्श मेरे पापा है, लेकिन क्रिकेट कमेंट्री के लिए आकाश चोपड़ा को मैंने बचपन से फॉलो किया है, क्योंकि जब मैं स्कूल डेज में था तब उन्होंने अपनी कमेंट्री करनी शुरू करी थी, तो उन्हीं को फॉलो करके चला हूं। इसीलिए आप मेरी कमेंट्री में देख सकते हो कि 50-60% उनका एक्सेंस आता है, क्योंकि मैं उन्हीं को बचपन से फॉलो करते आ रहा हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आज हमारे साथ मुलाकात करने के लिए, जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी बातचीत आपसे रही। और जाते जाते कुछ कमेंट्री का अगर कुछ और हो जाए तो आज जो है महफिल में चार चांद लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दीपांशु जी, देखिए इस बार थोड़ा एक 2019 का जो हमारा आईपीएल फाइनल था उसमें मुंबई चेन्नई को लास्ट पे चेन्नई को दो एक बॉल पे दो रन चाहिए थे जी, और मलिंगा गेंदबाजी कर रहे थे और सामने दीपक चहर थे, तो मतलब एक रन भी नहीं बना, मलिंगा ने एक रन भी नहीं दिया, तो वो फाइनल मुंबई एक रन से जीत गई जी। तो ये कुछ कारवां था, एक रन चाहिए था, मलिंगा बॉल कर रहे थे, तो इस तरीके का माहौल था कि भैया आईपीएल फाइनल मुकाबला है और यहाँ से एक बॉल और दो रन चाहिए, मलिंगा के हाथ में गेंद है और पूरी टीम की सेंध भी है, अगर यहाँ ये गेंद अगर डॉट कर दी भैया तो रातों रात, जैसे कहते हैं ना कि एक स्टार मलिंगा तो है ही, लेकिन रातों रात एक बहुत बड़ा नाम दोबारा बन जाएंगे, और दीपक चहर अगर यहाँ से एक रन मारते हैं या बराबर मुकाबले को करते हैं तो ये जो टक्कर है मतलब चेन्नई मुंबई की, पूरी भारत पाकिस्तान वाली टक्कर होती है। तो दोस्तों मलिंगा के हाथ में गेंद है, सामने दीपक चहर है, ओहो दोस्तों स्लोअर रन किया है, पैर पे गेंद लगा है, अपील और विकेट यहाँ पे आ जाएगा, मलिंगा भैया वीर है, विराज है, इस खेल का सम्राट है और ये मुकाबला जिता दिया है मुंबई को। तो दोस्तों मुंबई ये फाइनल जीत चुका है यहाँ पे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपके साथ मुलाकात करके एक बहुत ही सार्थकता आई और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम आशा करते हैं कि न्यूज 31 उत्तराखंड के माध्यम से कि आप एक अच्छी ऊंचाई को चुने, उत्तराखंड का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु जी, मैं आपको करना चाहूंगा न्यूज 31 उत्तराखंड का करना चाहूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बागेश्वर में जब मैं आया था, बागेश्वर ने बहुत प्यार दिया था और हमारे सुनील भाई, प्रकाश भाई और काफी जो न्यूज 31 का स्टाफ था, बहुत ही प्यार आप सब लोगों से मिला, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच दीपांशु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।